हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यारिया 2 मूवी के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यारिया 2 मूवी का क्लैश हुआ है टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत चैप्टर 1 मूवी के साथ। और दोस्तों, इस फिल्म का और एक फिल्म के साथ क्लैश हुआ है, वो है दोस्तों लीवो और दोस्तों टाइगर नागराज राव। ये सभी फिल्म दोस्तों आज रिलीज हुई है। यारिया 2 मूवी के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये एक हिंदी लैंग्वेज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है राधिका राव ने। और दोस्तों, इस फिल्म के स्टार कास्ट में लीड रोल में हमें दिव्या कुमार खोसला, प्रिया प्रकाश वॉरियर, वरीना हुसैन, यश दस गुप्ता, अंशवरा रंजन जैसे स्टार देखने को मिले हैं। यानी कि ये एक मल्टी स्टार फिल्म है। दोस्तों, फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म का कंटेंट यंगस्टर को बहुत ही पसंद आया है। दोस्तों, फिल्म के अंदर हमें लव स्टोरी दिखाई गई है, इमोशन दिखाया गया है और दोस्तों करुणता भी दिखाई गई है। फिल्म के सॉन्ग भी जबरदस्त हिट हुए हैं। दोस्तों, दर्शकों को बहुत ही पसंद आए हैं। फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो 40 करोड़ के बजट में बनाए इस फिल्म को इंडिया में टोटल 1700 स्क्रीन में रिलीज किया है। यारिया 2 मूवी के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों, जिस तरह से इस फिल्म के क्रेज देखने को मिला है और दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म का बज है, उस हिसाब से यारिया 2 मूवी अपने पहले दिन इंडिया से लगभग 5 से 6 करोड़ की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, इस फिल्म का क्लैश बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ हुआ है, इसकी वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा गिरावट देखने को मिला। नहीं तो दोस्तों, ये फिल्म अच्छा खासा कमाई कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस फिल्म ने अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन रानीगंज मूवी के डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, यारिया 2 फिल्म आपने देखी तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों, इस मूवी के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।